सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रितु, आप सबका स्वागत करता हूं इसी गेमर्स टेक यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 5 न्यू ओपन वर्ल्ड गेम्स फॉर योर लो एंड पीसीज। मतलब गाइज, अगर आपके पास 4GB का रैम भी रहेगा तो भी आप इन सभी गेम्स को आराम से इंजॉय कर पाएंगे। और गाइज, इस सभी के सभी गेम्स आप लोगों को काफी ज्यादा कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले, क्योंकि गाइज इन सभी गेम्स के ग्राफिक्स बहुत ज्यादा तगड़े होने वाले और उनकी स्टोरी लाइन उससे भी ज्यादा कमाल के होने वाले। तो गाइज, आई होप आप सभी लोगों को सभी गेम्स जरूर पसंद आएंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो फिर गेम्स पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके डन कमेंट जरूर कर देना। और गाइस, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या फिर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, बिकॉज इन फ्यूचर काफी सारे अलग अलग वीडियोज आने वाले तो उनकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जो हमारे लिस्ट का 5th नंबर का गेम निकल के आता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम सीरीज की तरफ से निकल के आता है। तो गाइस, उस गेम का नाम होने वाला है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। और गाइस, आई होप आप सभी लोगों ने इस गेम के बारे में जरूर सुना होगा, काफी ज्यादा तगड़ा वाला गेम है। और गाइस, अगर हम इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइस आप लोगों को इसमें ग्राफिक्स भी बहुत ज्यादा कमाल की देखने को मिल जाती है। उसके साथ में आप लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा एक ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अलग अलग जगह पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके साथ में आपको काफी सारे कमाल के मिशन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि गाइस आप लोग ओवरऑल स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले हो, आप लोगों को बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, काफी सारे मिशंस को कंप्लीट करना है। और गाइज, अगर आप लोगों ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी देखी होगी तो गाइज वही स्टोरी आप लोगों को इस गेम में भी देखने को मिल जाती है, वही कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, वही सभी एनिमीज होने वाले, तो प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को इस गेम को आपके पीसी में ट्राई करना है तो गाइज मैं आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। तो गाइज, मिनिमम आपके पीसी में 4GB का रैम होना चाहिए, उसके साथ में 512MB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। और गाइज, आपका जो प्रोसेसर है पेंटियम प्रोसेसर होना चाहिए। लेकिन गाइज, अगर आपके पास कोर टू डुओ प्रोसेसर रहेगा फिर भी ये गेम आपके पीसी में आराम से वर्क करेगा, लेकिन FPS थोड़े से कम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज, अगर हम स्पेस की बात करें तो आपको मिनिमम 10GB का स्पेस होना चाहिए, तभी आप इस गेम को आराम से इंस्टॉल करके प्ले कर पाएंगे। तो गाइज, आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना, और गाइज आपका एक्सपीरियंस कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो गाइज, चलिए इसके साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। जो हमारे लिस्ट का 4th नंबर का गेम निकल के आता है, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर सीरीज की तरफ से निकल के आता है। आई होप आप सभी लोगों ने इस गेम के बारे में जरूर सुना होगा। तो गाइज, इस गेम का नाम होने वाला है फार क्राई 4। और गाइज, अगर हम लोग इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइज आप लोगों को बहुत ज्यादा तगड़ी वाली ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, उसके साथ में आप लोगों को काफी ज्यादा कमाल की एक स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है। और गाइज, बहुत ज्यादा बड़ा एक ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अलग अलग जगह पे जाकर एक्सप्लोर करने वाले हो, काफी सारे मिशन आपको देखने को मिल जाते हैं। और गाइज, आप लोगों के पास होने वाले काफी सारे वेपन्स, तो गाइज आप लोगों को आपके वेपन्स उठाने, सभी मिशंस को क्लियर करना है। ओवरऑल गेम बहुत ही ज्यादा तगड़ा। और गाइज, इस गेम के बारे में मुझे आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाइज ये गेम ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोगों ने इस गेम को प्ले किया है। तो गाइज, अगर आपको भी ट्राई करना है तो गाइज मैं आप लोगों को इस गेम के रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। तो गाइज, आपके पास मिनिमम 4GB रैम होना चाहिए, उसके साथ में 512MB का ग्राफिक कार्ड आपके पास होना चाहिए। और गाइज, आपका जो प्रोसेसर है इंटेल i3 का प्रोसेसर आपके पास मिनिमम होना ही चाहिए, तभी आप इस गेम को प्ले कर पाएंगे। और गाइज, अगर हम इस गेम साइज की बात करें तो 30GB की साइज आप लोगों को इस गेम में देखने को मिल जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को एक गेम पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो गाइज, चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइज, जो हमारे लिस्ट का 3rd नंबर का गेम निकल के आता है, वन ऑफ द बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला गाइज। और गाइज, ये गेम इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इसके बारे में मुझे आप लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। सो गाइज, इस गेम का नाम होने वाला है GTA 5। और गाइज, अगर हम लोग इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइज लिटरली बहुत ज्यादा तगड़ी वाली ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। उसके साथ में गाइज आपको इसमें बहुत ज्यादा बड़ा एक ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप अलग अलग जगह पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और गाइज, इस गेम की जो सिटी इतनी ज्यादा बड़ी है, आप लोग एक्सप्लोर करते करते थक जाएंगे, लेकिन गाइज इस गेम का जो मैप है कंप्लीट नहीं होगा, इतना ज्यादा बड़ा है। उसके साथ में आप लोगों को इसमें एक स्टोरी मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि गाइज बहुत ज्यादा कमाल का है, काफी ज्यादा कमाल के आप लोगों को इसमें स्टोरी देखने को मिल जाती है। अगर आप लोगों ने इस गेम को कंप्लीट किया तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके साथ में आप लोगों को इसमें 3 अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, आप लोग तीनों भी कैरेक्टर्स को इंडिविजुअल प्ले करने वाले हो, उनके मिशन को कंप्लीट करने वाले हो। तो गाइज, ओवरऑल ये गेम बहुत ज्यादा कमाल का और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सभी को GTA 5 अपने पीसी में प्ले करना होता है। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अब तक GTA 5 को
प्ले नहीं किया तो गाइज आप लोग इस गेम को जरूर प्ले कर लेना। सो गाइज मैं आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। तो गाइज आपके पास मिनिमम 512 MB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, उसके साथ में आपके पास 4 GB का रैम होना चाहिए, और गाइज अगर आपके पास पेंटिनियम प्रोसेसर या फिर i3 का भी प्रोसेसर रहेगा तब भी ये गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है। और गाइज मिनिमम आप लोगों को 100 GB का स्पेस आपके PC में होना चाहिए तभी आप इस गेम को आराम से ट्राई कर पाएंगे। और गाइज अगर आपके पास i3 का 3rd जनरेशन या फिर 4th जनरेशन का भी प्रोसेसर रहा तो आपको ग्राफिक कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है, HD ग्राफिक्स पे आप लोग इस गेम को आराम से ट्राई कर पाएंगे। तो गाइज अगर आप लोगों को ये गेम ट्राई किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो गाइज चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस हमारे लिस्ट का 2nd नंबर का गेम निकल के आता है, बहुत ज़्यादा कमाल की फ्रेंचाइजी की तरफ से निकल के आता है, और गाइस ये गेम भी GTA 5 की तरफ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सो गाइस इस गेम का नाम होने वाला है वॉच डॉग्स 1। आई होप गाइस आप सभी लोगों ने इस गेम के बारे में जरूर सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गेम है। और गाइस अगर हम लोग इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइस बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली ग्राफिक्स आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाती है, पूरा GTA 5 का एक्सपीरियंस ये गेम प्रोवाइड कर देता है। बहुत ज़्यादा बड़ा एक ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप एक्सप्लोर करते करते थक जाएंगे, लेकिन गाइस इस गेम का भी मैप खत्म नहीं होने वाला है। उसके साथ में आप लोगों को GTA के जैसे बहुत सारे कास्ट को चलाने का मौका मिलने वाला है, काफी सारे मिशंस देखने को मिल जाते हैं, आप लोगों को मार सकते हो, आपके पास काफी सारे वेपन्स होने वाले। उसके साथ में गाइज आपके पास एक बहुत ज्यादा कमाल का हथियार होने वाला है, मतलब गाइज इस गेम में आप लोग एक हैकर बनने वाले हो, आप लोग काफी सारे अलग अलग जगह पे जाके हैकिंग कर सकते हो, लोगों को पैसा चुरा सकते हो, बहुत ज्यादा कमाल का गेम है गाइज। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक इस गेम को ट्राई नहीं किया तो गाइज जरूर ट्राई कर लेना, काफी ज्यादा तगड़ा ही गेम है। तो गाइज अगर आपको भी इस गेम को ट्राई करना है तो गाइज मैं आपको गेम की स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। सो गाइज आप लोगों को मिनिमम 1 GB की ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है, आपके PC में 4 GB रैम होना चाहिए, और गाइज आपका जो प्रोसेसर है पेंटिनियम प्रोसेसर या फिर i3 प्रोसेसर होना जरूरी है। सो गाइज अगर हम इस गेम की साइज की बात करें तो मिनिमम 21 GB का स्पेस आपके PC में होना चाहिए तभी आप इस गेम को ट्राई कर पाएंगे। तो गाइज आप लोग इस गेम को भी जरूर ट्राई कर लेना। तो गाइज चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस हमारे लिस्ट का 1st नंबर का गेम निकल के आता है, बहुत ज़्यादा तगड़ा काफ़ी ज़्यादा कमाल का गेम होने वाला है। तो गाइस इस गेम का नाम होने वाला है Saints Row 4। और गाइस गेम के ग्राफिक्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा कमाल की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, पूरा GTA 5 का एक्सपीरियंस ये गेम आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिल जाती है जहाँ पे आप अलग अलग जगह पे जाके एक्सप्लोर करने वाले, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मिशंस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और गाइस GTA गेम्स के जैसे आप लोग इस गेम में भी काफ़ी सारे कार्स चला सकते हो, लोगों को मार सकते हो, आपके पास काफी सारे वेपन्स होने वाले, और गाइज आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा कमाल की एक स्टोरी लाइन भी देखने को मिल जाती है। सो गाइज ओवरऑल पूरे गेम में आप लोग उसी स्टोरी को फॉलो करने वाले हो, और गाइज अगर आप लोग मिशन करते करते बोर हो गए तो गाइज आप लोग पूरा एक सिटी को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो गाइज आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर लेना, काफी ज्यादा कमाल का गेम है। सो गाइज अगर आपको भी इस गेम को ट्राई करना है तो गाइज मैं आप लोगों को इसके रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। तो गाइज आपके पास मिनिमम 512 MB का ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है, 4 GB रैम आपके पास होना चाहिए, और गाइज आपका जो प्रोसेसर है Core 2 Duo मिनिमम होना चाहिए, और गाइज आपके पास 10 GB का स्पेस होना चाहिए तभी आप इस गेम को डाउनलोड कर पाएंगे और इंस्टॉल भी कर पाएंगे। तो गाइज आप लोग इस गेम को भी जरूर ट्राई कर लेना, बहुत ज्यादा तगड़ा गेम होने वाला है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही गेम्स थे, आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा, उसके साथ में आपको ये सभी गेम्स जरूर पसंद आए होंगे। और गाइज इस लिस्ट में आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और गाइज अगर आप लोगों ने कोई भी गेम ट्राई किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसके बारे में भी मुझे जरूर बताना। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके डन कमेंट जरूर कर देना, और गाइज अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में कुछ और नए गेम्स कुछ और नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।